एक इमेज अभी आपको रिसीव होगा और इसके ऊपर आप लोगों ने वर्ड काउंट तो वन पेज है, वन पेज के अंदर आप जितना लिख सकते हैं उसके बारे में, इसके बारे में आपने लिखना है। और ये सबमिशन इसकी कर ली होगी, मैंने ईमेल में मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, ये पहले अपनी ईमेल सारे ओपन करें, उनको देखें, जो पिक्चर है उसको देख लें, और इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन तो प्लीज अभी पूछ लें। कल मुझे वो सबमिशन आप सबकी चाहिए। अहमद अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? हेलो अहमद, अभी ज्वाइन किया आपने? उनको मैं अनम्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, आपको एक ईमेल मिली होगी, उसको चेक करें, उसमें असाइनमेंट है। अहमद के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिसने देख लिया वो बता दे कि उसने देख लिया। ठीक है, असाइनमेंट क्या समझ आ गया? ये सर देख ली। किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ पूछना है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मीन जो पिक्चर है इस पे एज अ स्टोरी टेलिंग होनी है, ये मतलब जो पिक्चर को मतलब अपने व्यूज में इसको स्टोरी टेलिंग के लिए ही देखें। मैं चाहता तो आपको इसका फोटोग्राफर का नाम भी बता देता। इस पिक्चर का टाइटल भी है और इनका जो फोटोग्राफर है वो यूजीन स्मिथ हैं, लेकिन आपको उस तरह देखने की जरूरत नहीं है इसको कि किस साल में बनी, किसने बनाई, और वो वो हम वैसे भी कल डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आपने इस पिक्चर को देखते हुए इसको रीड करना है। अब आपने स्टोरी नहीं लिखनी, स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि ये आप खुद से स्टोरी जनरेट करेंगे इस इमेज के लिए, ऐसा नहीं है। इस इमेज को रीड करना है। रीड का मतलब ये कि जो भी कोई फोटोग्राफर बनता है या जो इसकी पढ़ाई करने का जिसका प्रोसेस होता है ना, उसको आप समझ लो कि डॉक्टर ऑफ इमेजेस उसको कह सकते हैं। आपको फोटोग्राफी आती है तस्वीरों के, आप डॉक्टर हो। जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को ठीक करता है दवाई दे के, आप इमेज देख के कुछ ऐसा बता दो जो कोई आम इंसान ले मैं नहीं बता सकता। तो आपने ये वाला इमेज देख के इसका एक्सरे करना है, इसका अल्ट्रासाउंड करना है, इसके बारे में बताना है जो जो चीजें आपको नजर आई हैं। ये असाइनमेंट अगर मैं आपको कल की क्लास के बाद देता ना तो बहुत इजी हो जाता है। कल की क्लास नाइकॉन के साथ है, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोटोग्राफ। सुबह बस आपको बताना ही है या कुछ लिखना भी है, कुछ लाइक अ स्टोरी लिखना है ना, पेज लिखना है, उसको बताएंगे आप, लिख के ही बताएंगे और फिर वो वर्ड डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, क्लास से पहले, कल क्लास शुरू होने से, हमारी वो जो नायकॉन की क्लास है कल, वो शुरू होने से पहले आप सेंड करेंगे। और वो क्लास कल लेने के बाद इसी तरह की मैं एक और आपको असाइनमेंट दूंगा और फोटोग्राफ के साथ, और फिर आपने उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखनी है कि क्या क्लैरिटी आई है कल की क्लास लेने के बाद। तो अभी कोई एग्जांपल कोई पूछना चाह रहा है कि क्या लिखना है, किस तरीके से कुछ? बस सर इसी को एक्सप्लेन ही करना है इस पिक्चर को, जैसे हमें समझ आई है।
जी ट्राई करेंगे एक पॉइंट शो। और अपने वर्ड्स में करना है, कोई उर्दू में करना चाह रहा है तो ठीक है कर ले, बट आई वुड प्रेफर कि आप इंग्लिश में ही करो, और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। मतलब कोशिश ये करनी है कि आप ऐसा पॉइंट ढूंढो, ऐसी इसको कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखो कि आपके दूसरे जो पीयर्स हैं उन्होंने ये वो पॉइंट मिस कर दिया हो। कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हों। अब आपने पॉइंट्स में भी अगर लिखना चाह रहे हो बुलेट पॉइंट्स में तो वो भी पॉसिबल है, इवन बेटर लेकिन कि आप इवन मीन कोई वर्ड्स लिमिट बता दें, वर्ड मीन लिमिट एक 100 to 150। पेज की है, वर्ड लिमिट एक पेज की है। एक पेज से अगर आपका पहले ही खत्म हो जाता है तो इट्स फाइन, कोई मसला नहीं। एक पेज से पहले आप नो कर सर, लेते एक्चुअली हैं। आपकी बात ठीक है, बट सम पेजेस छोटे होते हैं और सम बड़े, तो फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना है, ओके राइट। या ऐसा करो नोट कर लो, वो जो स्पेसिंग होती है वो डबल स्पेस्ड होना चाहिए, आपका जो फॉन्ट का जो साइज है वो 12 होना चाहिए, और जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको बता दी, और अब आप एक पेज किसी भी तरह कर लो। वो डबल स्पेसिंग के साथ अगर आप आधा पेज लिखोगे ना तो वो पूरा पेज कहलाएगा, मतलब जब यस वो, ठीक वो जस्ट दैट्स व्हाई आई हैव सीन। ओके है, क्लियर हो राइट गया। थैंक। तो इस इमेज को रीड करना है, और आपने हमेशा ये कोशिश करनी है, अब आपने लाइफ में कभी भी कोई बिलबोर्ड देखना है बाहर बाजार में, या फिर कोई एड पोस्टर, अभी हम अभी पहला स्टेप लिया आज, इसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा आपकी आईज ट्रेंड हो जाएंगी वेज ऑफ सीइंग करने की, कि आपने किस तरह देखना है और रीड किस तरह करना है, और ज्यादा से ज्यादा करना है एज कम्पेयर टू अ लेमैन। तो आज की जो असाइनमेंट है वो यही है, ये आपने कल सबमिट करनी है क्लास से पहले। आगे बढ़ने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है सबको? महानूर, हुमा, अहमद, सर क्लियर है सर। चलो ठीक है। और कल हमने प्रीमियर पे बात की थी, आज किसी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है? कल आपने ड्रोन का बोला था, ड्रोन के देखेंगे कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। ड्रोन का, ओके वेट, लेट मी ब्रिंग द ड्रोन। अच्छा, ये इसकी पैकेजिंग है छोटा सा, और जो मेरे पास है इसका नाम है मैविक एयर, DJI मैविक एयर, और ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है, एक टांग इसकी नीचे जाती है ऐसे, और एक साइड से ऐसे खुलती है, और ये मैं कहाँ रखूँ यहाँ पे, इसका नेक्स्ट जो मॉडल आया उसका नाम है मैविक एयर 2। आई होप कि मैं इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन रिमोट से थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है आपको। ये रिमोट है, इसने ऐसे बंद हो जाना है, ये इसके टर्मिनल्स हैं, इसको ऐसे ओपन करेंगे नीचे से ऐसे, यहाँ पे लगेगा फोन मोबाइल, ऐसे लग जाएगा इसके अंदर इंसर्ट होके। उसके बाद ये जो इसकी जॉयस्टिक है ये यहाँ पे, ये ठीक है, ये जॉयस्टिक यहाँ लग गई है, जैसे प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स किसी भी गेम का जो रिमोट कंट्रोल होता है बिल्कुल वैसे है। और जब यहाँ रिमोट लगेगा उसके साथ वायर लगती है, फिर सारा कुछ, सारा जो ऑपरेशन है वो इन्हीं जॉयस्टिक से होता है, और बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कोई गाड़ी, जो रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है छोटे बच्चों का खिलौना, बिल्कुल वैसे ऑपरेट होता है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है, सिर्फ एक दो तो
दफा आपको फ्लाइट करनी है वो प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाता है। और इसके लिए आपको रेकमेंड, ये 3 बैटरीज मिलती हैं साथ, वो यहाँ पे इस तरह अटैच हो सकती है। और इसको ऑन करने के लिए यहाँ नीचे बटन है बैटरी के अंदर, इसको डबल टैप करें ये इस तरह। अब ड्रोन के लिए आपको जो कोई परफेक्ट फुटेज अगर देखनी है और इसके बारे में किसी व्लॉगर का पता करना है, तो जो मैं जानता हूँ उस बंदे का नाम है कोल्ड, KOLD। ये मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन और आप देख लें। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, इमेजेस में आए, वीडियोस, यूट्यूब चैनल है इसका और इनकी ड्रोन फुटेज सबसे मजे की होती है। चलो लेट्स सी टुगेदर। इनकी जो स्पेशल बात है इनकी वीडियोस की वो यही है कि ये काफी तेज उड़ाते हैं, इनकी फ्लाइट की जो स्पीड है ड्रोन की वो तेज है। प्लस ये कि जहां से क्रॉस करवाना, जहां से गुजारना ड्रोन को ये समझते हैं कि मुश्किल बात है, वो यहां से गुजार लेते हैं और प्रैक्टिस से ही। तो इसको आप देख सकते हैं, ये नीचे KOLD ये नाम है। और इसके अलावा कुछ किसी ने पूछना है? कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन कोई नहीं। तो जैसे ये है प्रॉपर इसी तरीके के हैं, एक जॉर्डी नेम है उनका, जॉर्डी क्वालिटी सर, उनकी बड़ी अच्छी होती है पिक्चर्स। वो बताता भी है कि मैंने कैसे पिक्चर को किया है, क्लिक किया है और फिर रिजल्ट भी सारा। वो फोटोग्राफर हैं कि ड्रोन का ऑपरेट करते हैं? नहीं नहीं सर, फोटोग्राफर। अच्छा, यूट्यूब पे हैं? ये यूट्यूब पे है सर। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे किसी ने पूछा था कि ये वीडियोस जो है हमारी अपलोड करने के लिए, ये चैनल है, मैंने आपको चैट में लिख दिया, यहाँ पे आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो हम डेली लेते हैं। तो मैं आपसे एक मिनट, नाम दोबारा पूछता हूँ। शेयर स्क्रीन, शेयर जी। अब आप मनोर मुझे बताओ स्पेलिंग्स के साथ। JORDI JORDI आई जॉडी स्पेस के ओ ए सर, ये फर्स्ट। ओके, ऑलिटिक जॉडी का ऑलिटिक, ठीक है। ये बिल्कुल रिकमेंडेशन में से गुजरे होंगे क्योंकि सबको रिकमेंडेशंस तो आती रहती हैं। ठीक है, क्रिएटिव फोटोग्राफी के आइडियाज है ना? जी सर, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये वाली वीडियो मैंने देखी भी है, मुझे याद है। ठीक है, इसके अलावा और किसी ने कुछ कहना है? मुझे जरा मैसेज कर लूँ मैं, वर्धन ने ज्वाइन करना था।
नहीं, अच्छा तो किसी ने 100 फोटोग्राफ्स पे कुछ काम किया? देख ही रहे थे कौन कौन सी पड़ी हुई है, इसके अलावा और भी कुछ करने वाले पिछलों को आप देख रहे थे? जो पिछले स्टेप चेक किए उनको? सॉरी आई कांट हियर यू। यस सर, जो जो पिछली हैं उनमें से फिर 100 सेलेक्ट करके भेजनी है। अच्छा, और वो पिछली कितनी है? सर वो मेरा एक फोल्डर है, वो मैं नीचे के नाम से बनाया हुआ है, तो उसमें 396 हैं शायद। तो उसमें से फिर 100 सेलेक्ट करूंगी। और वो जो है एडिटेड है कैमरा, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम कैमरा है, किस तरह है? सर मोबाइल फोटोज हैं और जस्ट अगर मैक्सिमम एडिटिंग होगी तो एक आधा इफेक्ट होगा जस्ट। ठीक है, अगर ये कोशिश सब कर सकते हैं ना कि वो एडिट किए बगैर सेंड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप एडिट करते हो उसको फोटोशॉप से एक्सपोर्ट करोगे बाहर तो उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ऐसा है ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि हमें साइज इतना हैवी भी ना मिले इमेजेस का कि वो फिर प्रोसेस करने में डिफिकल्टी हो जाए। तो नॉर्मली इस वक्त मैं अगर अपनी सेल्फी की पिक्चर लेती हूँ तो मैक्सिमम वो कोई 3-4 MB की तो आ ही जाती है, इतनी होगी? 3-4 MB ठीक है, इवन मैं बस ये चाह रहा था कि 1 MB से अबव हो, बिलो 1 MB ना हो। और इसकी सबमिशन किस दिन देनी है, या आप लोग खुद से बारी बारी देते जाओ जब जिसका हो जाए? ठीक है, वो या अगर आपको डेट देनी है तो सर आप डेट देने ज्यादा बेटर है, फिर ऐसे हो भी जाएगा काम। आई थिंक डेट की जरूरत नहीं है, आप किसी को ज्यादा टाइम चाहिए तो इस काम क्लिक कर ले, क्योंकि एंड में हमने करना है, ये आखिरी चीज है। अच्छा, एक जैसे ये इमेज आपको अभी ईमेल किया ना, इसके अलावा क्योंकि ये इजी एडिट करना, पहला मैंने आप लोगों को मुश्किल नहीं दिया एज कम्पेयर टू कि कोई इमेज होता फाइन आर्ट का तो वो जिसके अंदर आपके पास कोई क्लूज नहीं है, उसके अंदर आपको क्लूज मिले हुए हैं, आप इजीली बात कर सकते हैं उस इमेज के बारे में। इस इमेज के बारे में मुझे बताएं, बारी बारी सब बताएं। लाइफ साइकिल से रिलेटेड ही है। ठीक है, और टाइम बाय टाइम कुछ ना कुछ रिडक्शन होती है, जैसे आप सबसे पहली चीज इमेज रीड करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पहली चीज ये होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट क्या है जिसको आप देख रहे हो, ये क्या है? सोप। सोप जो है उसका वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? वॉशिंग। और फ्रेजेस किस तरीके से? सर यानी बंदा लाइफ में चेंज होता रहता है, फेजेस चेंज होती रहती हैं और बंदा इंप्रूव भी करता है। जी वो सोप कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सर बंदा अपने आप को रिफाइन करता है, जिन एरियाज में वीक होता है उन्हें इंप्रूव करता है, नए स्किल्स सीखता है, तो ये फेजेस इसलिए हासिल हो सकती हैं। चैट में हमें किसी ने कुछ लिखा है, diversity of what? अच्छा, सोप के बारे में पहले बात करते हैं। जो सोप होता है वो वॉशिंग को सिग्निफाई करता है और रिप्रेजेंट वो इम्प्रूवमेंट को करता है। इम्प्रूवमेंट इस तरीके से कि
हम उससे धुलते हैं या वो किसी चीज को धोते हैं तो वो क्लीन हो जाती है ऐसे। सर ओके okay। और ये जैसे सर वही बात हो गई गेम के पेरेंट्स हमें करते हैं ग्रो अप करते हैं हमें ठीक है तो हाँ खुद तो वो उनकी एज इंक्रीज हो रही है लेकिन हमें वो अपने बारे में नहीं वो सोचते बेसिकली वो हमारे बारे में सोचते हैं तो ये वही वाली बात होगी कि वो हमें हमारी जो है वो गंदगी को दूर करता है बेसिकली खुद उसकी रिडक्शन हो रहा है उसका साइज में ठीक है। सेकंड जो चीज पिक्चर में देखनी होती है जरूरी नहीं है, लेकिन वो ये होती है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कैसे हुई भी है। अब सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और अ कैंडल बर्न्स टू स्प्रेड लाइट एंड ट्राई टू मैं बोल देता हूँ, ट्राई टू रिलेट दिस सेंटेंस अ कैंडल बर्न्स टू स्प्रेड लाइट विद सोप। अच्छा जी आप बता रहे हैं इतनी कुछ बानूर। सर ये बस मिट्री के बारे में सिमेट्री को सिमेट्री भी के लिए रेंज की एक सिमेट्री है उसको रेंज करके रखा हुआ है और डीपर जाएं और इसको गौर से देखें। सिमेट्री तो है लेकिन नोट कीजिए कि कहाँ पे गैप्स हैं कहाँ पे गैप्स नहीं हैं। सर एक जस्ट लाइक द पर्पल वन ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है किचन ऊपर नीचे भी है दोबारा बोलें ऊपर नीचे भी सर मतलब ऐसे पड़े कंप्लीट। हुए पर्पल वन लाइक पर्पल वन और फ्रॉम राइट साइड थर्ड वन ऊपर फ्रॉम व्हाइट नीचे ऊपर ऑरेंज जी ये दो बिल्कुल ठीक है। अब इन हाँ दोनों सर को राइट साइड से जो फर्स्ट वन है वो तो बहुत स्मॉल साइज में वही है और उसकी शेप को भी और गौर से देखो, शेप में क्या फर्क है उसकी बाकियों से छोटे होने के अलावा। सर छोटे होने के अलावा जस्ट लाइक सर इसमें यूनिटी या टीम वर्क भी देख सकते हैं जैसे लेफ्ट साइड वाले तकरीबन यूनाइट हैं और तकरीबन एक फेज है यानी इसमें हम इस सेंस में ले सकते हैं कि अगर किसी की कोई एबिलिटी लैक भी करती है तो अगर टीम वर्क कर रहे होते हैं तो सारा कुछ कवर हो जाता है और जो राइट साइड पे हैं वो सारे स्कैटर्ड हैं तो फिर उनकी यानी इंडिविजुअली हम देख सकते हैं कि कोई डोमिनेंट है कोई रिसेसिव है जैसे कि व्हाइट वाला है तो वो ऑरेंज पे डोमिनेंट है और जो पर्पल वाला है वो व्हाइट को यानी सप्लीमेंट कर रहा है और वो सारे लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो सेम शेप के और यानी उनकी एक एक फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं और जो राइट साइड वाले हैं वो स्कैटर्ड हैं सर ये हम एक ह्यूमन बींग से भी एग्जांपल दे सकते हैं जस्ट लाइक द राइट साइड वो छोटा सा बच्चा आप कह लो ठीक है उसके बाद फर्दर उसका सारा लाइफ साइकिल बिल्कुल ठीक है। हुमा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन हुमा एक और छोटी सी बात है कि अभी भी मैं कह रहा हूँ इन दोनों को ना, जो वाइट ऑरेंज के ऊपर डोमिनेंट है और वो जो पर्पल वाला है, उनको जरा एक और पॉइंट बता दो, इन दोनों को जरा क्लोजली देखें दोबारा। सर आप कह देंगे सर इसमें ये भी कुछ कंडीशन हो सकती है, मे बी जो नीचे वाले हैं उनकी कंडीशन ऐसी ना हो, ऊपर वाले जो उन्हें कवर कर रहे हों, ये भी तो पॉइंट आ सकता है इसमें। कवर कर रहे हैं तो समझ नहीं आई मुझे, सॉरी। सर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है बताएं ये कि जो ऑरेंज वाला है उसमें होल भी हो सकता है और राइट साइड से कट भी हो सकता है। राइट साइड से कट तो मतलब ऐसा समझ शेप नहीं। बिल्ड मतलब कंटिन्यू रखने के लिए ठीक है वो आप बताएं जो जिन्होंने भी बोला है। भाई
सर वही मैंने कहा मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वही जो व्हाइट ऑरेंज के ऊपर जो व्हाइट पड़ा हुआ है, उसके बाद जो सर वो है वो छोटा सा जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जैसे वो फर्स्ट वन था, ठीक है, लेकिन उस हाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पर्पल को देखो तो फिर क्या लगता है? कंफ्यूज कर रही है सर पर्पल बात सोचें और बताएं। ये भी हो सकता है कि वो यानी व्हाइट और जो रेड के इफेक्ट को एम्पलीफाई कर रहा है, और जो ऑरेंज वाला है वो जस्ट वो डोमिनेंट और रिसेसिव का। देखें देख सब रहे हैं अभी, लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा कि आप लोग सिर्फ उसकी प्लेसमेंट बताओ, मुझे प्लेसमेंट देख के बताओ व्हाइट और पर्पल की प्लेसमेंट को गौर से देख लें और मुझे बताएं उनकी प्लेसमेंट क्या है। सर वी टाइप कुछ नहीं 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 आपने व्हाइट जो है वो ऑरेंज के ऊपर है ऐसा ही है जी सर, पर्पल किसके ऊपर है? व्हाइट सर, सर व्हाइट ही है, ऑफ व्हाइट व्हाइट कलर। पर्पल पिंक के ऊपर रेड और भी तो व्हाइट है। दोनों के ऊपर है बेसिकली। हाँ ना यस सर, पिंक के ऊपर भी है। तो आप लोग ये देख बट रहे सर व्हाइट पोर्शन के ऊपर वो व्हाइट पोर्शन को ज्यादा कवर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट को वो ज्यादा कवर कर रहा है, लेकिन वो पिंक के साथ क्यों है? जरूरत होगी सर तो बात यही थी कि वो जो व्हाइट और ऑरेंज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल है, इधर डिस्टर्बेंस है, कुछ प्रॉब्लमेटिक कुछ चल रहा है। पर्पल पर्पल जो है वो व्हाइट के ऊपर ज्यादा और पिंक के ऊपर कम है। बाकी इसकी डिटेल्स और जितना आप अंदर अंदर सर उसके पर्पल वन के साथ दो लाइफ पार्टनर होंगे सर। हाँ और जब दो होते हैं तो फिर बीच में एक एलिमेंट आता है जिसको हम कुछ कहते हैं, वो आपने सोचना है, क्योंकि पार्टनर एक ही होता है, जब दो हो तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको चीटिंग बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक्सट्रीम राइट पे जो छोटा सा है उसको आप बेबी भी ले सकते हो, उसको आप कोई बुढ़ापा भी ले सकते हो, और जो लेफ्ट पे हैं उनको सिंगल ले लो किसी भी तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई इसकी कोई एक रीडिंग नहीं है, किसी भी इमेज की एक नहीं होती। तो आपने सब बातें बिल्कुल ठीक बोली थी, उसको यंगस्टर बेबी टीनेजर भी ले सकते हैं और उसको हम बूढ़ा हुआ हुआ इंसान भी ले सकते हैं, और वो लोग सिंगल हैं और कुछ बल्कि कुछ नहीं दो ही यहाँ पे दो कपल्स हैं, एक आपके सामने व्हाइट और दूसरा दूसरे पर्पल की हरकतें आपको नजर आ रही हैं। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, ठीक है। अब कल की क्लास में आपने टाइमली आ जाना है नाइकॉन वाली क्लास में, प्लस उससे पहले कोशिश करें आज रात या कल जब मर्जी आपने वो असाइनमेंट करनी है वो करके मुझे वन पेज सेंड करें, फिर आगे चलते हैं। और ये भी माइंड में रखें कि आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में बनाने लगा हूँ और मुझे
सजेशंस दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने बताना है, ठीक है? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।